जहां विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी का धुआंधार प्रचार जो है वो जारी है। हरियाणा में आज कई जगहों पर सीएम की चुनावी रैलियां भी होनी हैं। अंबाला, कैथल, पानीपत में भी सीएम का चुनावी रोड शो है। अंबाला के नारायणगढ़ में सीएम ने चुनाव प्रचार किया। कैथल के पुंडरी में सीएम सैनी ने हुंकार भरी। शाम 4 बजे समालखा में रोड शो करेंगे नायब सिंह सैनी। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी का धुआंधार प्रचार जो है वो जारी है और इसी कड़ी में हरियाणा में आज कई जगहों पर सीएम की चुनावी रैलियां होनी हैं। चुनावी रैलियों के कार्यक्रम की अगर बात करें तो अंबाला, कैथल और पानीपत में सीएम का ये चुनावी रोड शो है। मनोज मलिक कैथल से मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं। मनोज, बैक टू बैक रोड शो नायब सिंह सैनी के कैथल में भी, क्या और जानकारी इस पर? रोड शो आयोजित किया गया है जिसमें लगातार बीजेपी जो लगातार विधानसभा की जो चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है वही बीजेपी अपने प्रचार जो प्रसार है वो जोरों पर कर रही है। बात करें पुंडरी की तो काफी हजारों की संख्या में यहाँ पर कार्यकर्ता पहुंचे थे और नायब सैनी का अभिनंदन यहाँ पर किया गया, स्वागत यहाँ पर किया गया, फूल मालाओं के साथ, ड्रोन के साथ उनका स्वागत किया गया। उसके साथ साथ बता दें वर्करों में काफी उत्साह देखने को मिला क्योंकि काफी समय बाद कैथल में जो इतना बड़ा रोड शो है वो देखने को मिला है और कार्यकर्ता काफी समय से इंतजार में बैठे थे कि कब सीएम नायब सैनी रोड शो करे और कब हम जो विधानसभा चुनाव के जो नजदीक है उसको देखते हुए भी एक बड़ा मैसेज कार्यकर्ताओं के पास ये पहुंचा है कि बीजेपी लगातार अपने अपने क्षेत्रों में मजबूत होती जा रही है। वहीं दूसरी तरफ बात करें काफी कार्यकर्ता की बात करें या नेताओं की बात करें या पदाधिकारियों की बात करें तो काफी उनमें परेशान भी वो दिखाई दे रहे थे, नाराज बीजेपी से वो चल रहे थे जो की सीएम नायब सैनी द्वारा उनको मनाने का काम भी किया गया और आगे मान सम्मान पार्टी में देने का भी काम नायब सैनी द्वारा बोला गया। तो काफी हजारों की संख्या में यहाँ पर पहुंचे थे, पुलिस प्रशासन द्वारा भी व्यवस्था दुरुस्त कर दी गई थी। मनोज, कितनी देर ये रोड शो चला और ये भी बताइए क्योंकि आचार संहिता भी लागू है तो हर एक कदम सोच समझकर पार्टियां या तमाम नेता उठाते हैं, जनता को संबोधित करते हैं तो भी इस बात का ध्यान रखना होता है कि किन किन बातों को कहा जा सकता है और किनको नहीं कहा जा सकता आचार संहिता होने पर। तो बताइए कि कितनी देर ये रोड शो चला और क्या कुछ खास इसके अलावा इस दौरान नजर आया? बिल्कुल, देखिए अगर रोड शो की बात करें लगभग 2 घंटे तक कैथल पुंडरी से पाई नई अनाज मंडी से लगभग 2 घंटे तक ये रोड शो जो चला लगातार जाम की व्यवस्था भी यहाँ पर बनी रही। उसके साथ साथ आमजन को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा क्योंकि जो रोड शो का रोड मैप तैयार किया गया था उस रोड मैप के अंदर जो व्यवस्थाएं थी वो बिल्कुल ठप हो चुकी थी क्योंकि एक जगह जहां बात करें कुछ ही समय विधानसभा चुनाव का अभी रह चुका है। उसके साथ साथ इतनी ज्यादा संख्या में पब्लिक आना रोड पे उतरना और रोड शो करना एक ही देखिए कहीं ना कहीं आचार संहिता का भी उल्लंघन की अगर हम बात करें वो भी माना जा सकता है तो इसमें काफी परेशानियों का सामने भी करना पड़ा है और जाम की जो व्यवस्था है वो भी लगातार बढ़ती जा रही थी। मनोज, जिस तरह से हम देख रहे हैं बैक टू बैक कार्यक्रम नायब सिंह सैनी कर रहे हैं उसी कड़ी में ये रोड शो भी हुए हैं, कहीं ना कहीं पार्टी की तैयारियां दिख रही हैं और शुरू से ही चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले से ही चुनाव प्रचार की कमान जो है नायब सिंह सैनी ने संभाली हुई है तो यहां पर ये नजर आ रहा है कि पार्टी किसी भी तरह की कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए बात करें या पुंडरी हल्के की बात करें या हरियाणा के जितने भी जिले की बात करें तो हर जगह जो बीजेपी पार्टी है वो हर जगह अपनी मजबूती दिखाती हुई नजर भी आ रही है। अगर मैं बात करूं पुंडरी हल्के की तो अभी तक 21 साल तक अभी तक कोई भी पार्टी के चुनाव पर कोई भी कैंडिडेट नहीं जीत पाया है। इसमें अगर बात करें तो सभी जितने भी कैंडिडेट यहाँ से आजाद ही बनते हैं तो अब की बार जो रोड शो पुंडरी के अंदर निकाला गया है इस रोड शो से ये साबित होता है कि अब की बार जो कमल का फूल है वो खिलने का काम यहाँ पर किया जाएगा। और उसके बाद बात करें जनसभा से भी नायब सैनी ने बातचीत की गई है, वहां से भी उनको वोट के लिए अपील भी की गई है क्योंकि बीजेपी जो सरकार है वो नीचे से लेकर ऊपर तक सभी का विकास करती है तो इसको लेकर भी काफी संबोधन यहाँ पर किया गया है जिसको लेकर जो पब्लिक है वो भी काफी हजारों की संख्या में यहाँ पर पहुंची थी और नायब सैनी का वहां पर स्वागत भी किया गया था। चलिए, शुक्रिया आपका मनोज तमाम जानकारी देने के लिए। विधानसभा चुनाव को लेकर
धुआंधार तैयारी बीजेपी की जारी है। बैठकों मंत्रणाओं का दौर भी जारी है। इस बीच जनता तक पहुंचने के लिए तमाम कार्यक्रम भी रखे जा रहे हैं।